नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण खिलाड़ियों को खेल के प्रति रुझान बहुत बड़ा। इंटर स्टेट हेडबॉल चैंपियनशिप विजेता टीम की 3 खिलाड़ियों का कैथल में भव्य स्वागत हुआ। हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल की स्टूडेंट्स हैं 3 खिलाड़ी। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। बिहार के मानसी जिला से 18 से 21 अक्टूबर तक खेली गई प्रथम लम्हे कुमार मेमोरियल इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों का अंडर 20 में हरियाणा की टीम ने प्रथम स्थान हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया। हरियाणा की टीम में हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल की 3 खिलाड़ी आरती, सविता और शेनू शामिल थी। इंटर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की टीम ने बिहार को हरा करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रबंधक कमेटी और गांव खानपुर की पंचायत ने उनका भव्य स्वागत भी किया और स्कूल परिसर में 3 खिलाड़ियों को फूल मालाओं और नोटों की माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। स्कूल की छात्राएं और ग्रामीण महिलाओं ने इकट्ठे होकर के खुशी जाहिर की। पूरे गांव में बधाई का तांता लगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण खिलाड़ियों में खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। और मैं हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मैं हैंडबॉल की खिलाड़ी हूँ और हम बिहार में खेलने के लिए गए थे और वहाँ पर हमने गोल्ड मेडल जीता है, तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इस खेल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे स्कूल, मैं इंडिया की टीम में प्लेइंग करना चाहती हूँ। मेरा नाम सविता है, मैं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं बिहार अंडर 20 टूर्नामेंट में गई थी जहाँ हमने गोल्ड मेडल जीता। मुझे खुद पर और हमारे मम्मी पापा और स्कूल पर बहुत प्राउड फील हो रहा है जहाँ इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में मदद की। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मेरी यही उम्मीद रहेगी कि मैं अब इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बढ़िया। मेरा नाम शीनू और मैं हिंदू कन्या, मैं हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं अंडर 20 बिहार खेलने गई थी जहाँ पर हमारा गोल्ड आया है। मैं हमारे स्कूल का, हमारे सर का जो हमें सिखाते हैं उनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल में आए। नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था यहाँ पर बिहार में और हमारे 3 बच्चों ने जो है वहाँ पर हिस्सा लिया और 3 बच्चों का हमारे गोल्ड आया है और इसमें सरकार की तरफ से इन्हें 3-3 लाख रुपए की धनराशि से इन्हें नवाजा जाएगा। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी दिया जाएगा ये मनी और हमारे स्कूल की तरफ से स्कूल के लिए बहुत ही गौरव का और सम्मान का विषय है। स्कूल के लिए नहीं बल्कि मैं कहूँगी हमारे हरियाणा के लिए, जो भी जो लड़कियाँ हैं जो इतना प्रयास कर रही हैं, उनके घर वाले उनका साथ दे रहे हैं, हमारी तरफ से जो है बच्चों का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग रहता है। समय समय पर जिस भी चीज़ की इन्हें ज़रूरत रहती है हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। तो मेरी मैनेजमेंट की तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से, मेरे सभी स्कूल के बच्चों की तरफ से इन 3 बच्चों को बहुत बहुत बधाई, इनके सभी गांव वालों को, कानपुर वासियों को, सभी को जो है बहुत बहुत बधाई। खेल के लिए जो है बच्चों का बहुत रुझान बढ़ा है क्योंकि अब सरकार जो है गेम्स बेस पे जो नौकरियाँ बच्चों को दे रही हैं इससे बहुत ज़्यादा बच्चों का रुझान बढ़ा है खेल की तरफ। जो लड़कियां हैं वो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। पहले लड़कियों को सिर्फ 4 दीवारी में ही रखा जाता था लेकिन आज लड़कियां लड़कों से भी कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। तो मेहनत में उनकी कोई कमी नहीं है और हमारा मार्गदर्शन, हमारी मैनेजमेंट, मतलब उनका बहुत मार्गदर्शन हमारे साथ रहता है। जो भी चीज़ों की कमी रहती है वो हमारी पूरा करवाते हैं। और बाकी मैं सभी को एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई आप सभी। जी मैं गाँव खानपुर से सरपंच हूँ और मेरा नाम रामनाथ है और जो भी मेरे गाँव की 3 बच्चियों ने हमारे गांव का ही नहीं बल्कि ज़िले का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन पूरे इंडिया के अंदर किया है, तो मैं इनके माता पिता को और इस पूरे स्टाफ का
जिनकी वजह से ये हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है, उनका पूरा धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं यही कामना करता हूँ कि मेरा मेरे गांव से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजारों लड़कियाँ इस ऐसी कदम उठाएं और हमारे गांव का नाम रोशन किए। इसके लिए हमने अपने गांव की तरफ से जो भी सहायता होती है हमने उसको उपलब्ध करवाई है, और आगे भी भविष्य में जो भी इनकी कमियाँ होंगी हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं दोबारा से इन बच्चियों का तह दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे गांव का नाम इतने ऊंचे लेवल पे लेके लिए। जो बीजेपी सरकार की पहले भी जो सरकारें आई हैं उससे ज़्यादा अब की बार जो खेल नीतियाँ आई हैं हमारे गांव के अंदर, जैसे आप देख लो कि यहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी उन्होंने बनवाए हैं और कोचेज वगैरह भी हैं, तो इससे जो ये बच्चियाँ हैं इनका दिन पर दिन प्रतिदिन रुझान बढ़ता जा रहा है खेलों के प्रति,